बाराबंकी पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर कल्चर को गलत बताया और कहा कि दोषी के रिश्तेदारों पर घरों पर बुलडोजर चलाना कहां तक सही है, उनका क्या दोष है। अखिलेश यादव ने शनिवार को रायबरेली दौरे पर 10वीं पास लड़कियों के साथ कुछ तस्वीरें ट्वीट कर शेयर की, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन और इस मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ ही मायावती द्वारा लिखी ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन भी किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की टीम का जोशीमठ दौरे में आपदा अपर सचिव, जियोलॉजी और केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहे। बांदा में चलती कार के ऊपर बैठकर युवकों के हुड़दंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है, युवक रील बनाते दिखाई दे रहे हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। रुड़की में कृष्णानगर में देर शाम हाई वोल्टेज आने से अचानक धमाका हुआ, दर्जनों से अधिक घर में हाई वोल्टेज की चपेट में, लोगों में दहशत। बाराबंकी में लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पर फर्जी रिपोर्ट लगाने की घूस की बातचीत करने वाले फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ बर्खास्तगी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जिलाधिकारी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। फिरोजाबाद में शराब के नशे में एक रिटायर्ड फौजी ने एक युवक को घर में बुलाकर गोली मार दी, फायरिंग में युवक बाल बाल बचा, पुलिस रिटायर्ड फौजी की तलाश में जुटी। लखनऊ में एक शख्स ने गोमती पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली, मृतक लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति आवास पर काम करता था। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की रेड, 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली रेड, सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, नरोरा ऑटोमिक पावर प्लांट में बड़े ठेकेदार हैं। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से 70,000 की लूट, नशे में धुत दबंगों ने गल्ला व्यापारी से मारपीट की, छीने 70,000 रुपए, बांगरमऊ कोतवाली के सिद्धरपुर चौराहे की घटना। पथराव और बमबाजी मामले में कानपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सभी पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया, आरोपी अभियुक्त ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया था, अभियुक्त के खिलाफ कागारोल कमिश्नरेट में दर्ज था मुकदमा। मिल्कीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर केस में वाराणसी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, बताया कि अवैध संबंधों की वजह से दामाद ने ही पत्नी समेत 3 की हत्या की। गाजियाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में मऊ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों आरोपियों पर जादू टोना करके डरा धमका कर बलात्कार का आरोप है। औरैया में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिया से टकराई, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, राहगीरों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। फतेहपुर में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत, चालक परिचालक समेत 3 लोग हादसे में घायल, जिला अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया, प्रयागराज से कानपुर की तरफ ये जा रहे थे। पार्क में अश्लील प्रैंक बनाकर वायरल करने वाले युवक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही ऐसे युवक पर सख्त कार्रवाई की बात कही। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।